अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कढ़ाई वाले सूट की कटिंग बता रही हूँ। ये उसका नाप है जो कढ़ाई वाले सूट में गला बना बनाया आता है, उसकी कटिंग हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, इसका गला बना हुआ है। पहले मैं इस पर नीचे निशान लगाऊंगी। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, नीचे इस तरीके से 1 इंच टेप रख के सीधे निशान लगा लीजिए और ऊपर भी निशान लगा लीजिए। उस निशान से हम अब तीरे की लंबाई लिए, हमने इसकी तीरा रखा है 7.5। मुट्ठी भी इसके मैं 7.5 ही रख रही हूँ और इसके चाक मैं 1.5 इंच पर रख रही हूँ। पेटी इसके 6.5 इंच पर रख रही हूँ, जो मैंने चाक रखे हैं तेहरे पर, पेटी 6.5 पर रखी है। अब इसका चेस्ट है इसका 20 इंच, तो उसका आधा मैं 10 रख रही हूँ। पेटी है इसके 18 इंच, तो उसका आधा मैं 9 रख रही हूँ। जो भी मैंने सूट का नाप लिया था उसका आधा ही रख रही हूँ। हिप है इसके 21 इंच, तो मैंने 10.5 रखा है। दामन है इसके 22, तो मैंने उसका 11 पर निशान लगा लिया। इंची टेप को रखकर मैं एक दूसरे से ये सारे निशान मिला दूँगी। अब इस तरीके से दामन की तरफ इंची टेप रखकर मैंने सारे निशानों को एक दूसरे से जॉइंट कर दिया है। अभी मैं एक्स्ट्रा निशान लगाया है मार्जिन का। अब इसको हम कट कर देंगे। ये मैं सिर्फ आगे का पर्त काट रही हूँ क्योंकि ये कढ़ाई वाला है, इसके एक एक पर्त कटेंगे। इस तरीके से बाहर वाले निशान पे इसको मैं कट कर दूँगी। बाहर वाले निशान पर अभी मैंने कट कर दिया है। अब मैंने बैक साइड का पर्त डबल कपड़ा बिछा लिया है, उस पर मैंने फ्रंट पर्त रख दिया है जो मैंने काटा था पहले। अब इसके मुट्ठी के निशान मैंने लगाए हैं। बैक साइड की मुट्ठी के जो निशान लगाएंगे वो एक्स्ट्रा रहेंगे, बैक साइड जो है वो ज़्यादा रहता है, और बाकी के नीचे से सेम वही निशान रहेंगे। जो नीचे से निशान फ्रंट पर्त के हैं वही बैक साइड के रहेंगे। अब इसको भी मैं इस तरीके से कट कर दूँगी। यहाँ से मैं इसके चाक रखूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कट लगाया है। ऊपर की तरफ से मैं सिलाई शुरू करूँगी, इसलिए एक कट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, अब ये स्लिप्स मेरी बनी बनाई आई हैं, इसमें मैं इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। 3 इंच का ऊपर से निशान लिया है, 7.5 के मुड्ढे थे इसलिए मैंने 7.5 का यहाँ पर निशान लगा लिया है। इसको ऊपर की तरफ से इस तरीके से गोल कर दिया है। इसका कपड़ा कम आता है मार्जिन के, इसलिए इसमें नीचे की तरफ थोड़ा जोड़ लगाना पड़ेगा। अब ये 2 टुकड़े हैं जो मेरे सूट काटते में आगे की साइड से बच गए थे, साइड से बच गए। जब मैंने फ्रंट कट काटा था साइड में और बैक साइड जो काटा था वो दोनों तरफ से बच गए थे, तो मैं इस तरीके से ना बाजू में लगा लूँगी। देखिए बाजू का कपड़ा इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। देखिए इस तरीके से बाजू का कपड़ा ये बढ़ गया। अब मैं इसका अस्तर काट रही हूँ अंदर का, वो बिछा लिया है मैंने 4 ते में। अंदर का जो अस्तर है वो मैंने 4 ते में बिछा लिया है। उसके ऊपर से मैंने जो सूट कट किया है उसके ऊपर से मैं ये रख दूँगी। 2 3 4 4 ते में मैंने ये बिछा लिया है। इसको सही से इस तरीके से बराबर से, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा सेम इसी के बराबर कटिंग कर दूँगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए ये मेरा अस्तर वाला सूट कट चुका है। मैं और भी नई वीडियो आपको लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।